Hey guys, this is Mohit Rajdev and you are watching your favorite reaction channel, Boysify Reactions. So guys, आज हम फिर से आ चुके हैं with the power star पवन कल्याण सर, उनके एक सीन के साथ, उनके वकील साहब मूवी के सीन के साथ. इसके पहले हमने इनके इंट्रोडक्शन फाइट सीन पर रिएक्ट करा जो कि काफी अच्छा प्यार मिला आपका. उसके बाद हमने मेट्रो फाइट सीन पर रिएक्ट करा, वैसे वो बहुत बाद में था, हमने पहले ही रिएक्ट कर दिया क्योंकि फाइट सीन्स आर सो अमेजिंग इन दिस मूवी. और जिस जिस सीन पर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ वो सारे फाइट सीन्स ही हैं यार. हमने बहुत सारी मूवीज देखी है, पुलिस ऑफिसर्स की देखी है, सुपर हीरोज की देखी है जिसमें फाइट सीन्स तो ऑब्वियसली होती है हर मूवी, ऐसी मूवीज में. बट आपने लॉयर एज ए लॉयर लड़ते हुए किसी को भी नहीं देखा होगा. पवन सर ने यही करा है, यही इनकी वर्सिटैलिटी है. और इनको जैसा कैरेक्टर मिला है इस मूवी में लॉयर का, क्रिमिनल लॉयर का, वो कोर्ट में तो लड़ते ही हैं साथ ही साथ बाहर भी लड़ते हैं, और लॉयर के साथ एज ए एक्शन हीरो भी ये सामने आए हैं. सो वकील साहब के इंटरवल फाइट सीन पर रिएक्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय व्लॉग चैनल एज वेल इफ यू वांट टू सी सम अमेजिंग व्लॉग्स. सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इंटरवल फाइट सीन पर रिएक्शन, उसके बाद आई की बातें करेंगे. लेट्स गो. इनके घर पे आएंगे शायद. ट्रू सच बात है ये. आपको चुप नहीं रहना चाहिए. और एनिमी डोंट बी साइलेंट सर, शो सम पावर. पावर स्टार पवन कल्याण सर. Now you're gone. अच्छा, वो गूज़बम्स आ जाते हैं जैसे ही एकदम से फाइट स्टार्ट करते हैं अपनी. वो बहुत बुरी तरह फेंका भाई. ग्रोन्स इन पेन. ओ माय गॉड, नल उखाड़ के. सीरियसली व्हाट अमेजिंग शॉट यार, क्या शॉट है ये पीछे, बिल्कुल जो फाउंटेन निकल रहा है भाई, अमेजिंग यार, मजा आ गया देख के. ये शॉट तो फ्रेम करके रख लो यार, ये शॉट. वन मैन आर्मी पावर स्टार पवन कल्याण सर. बता दिया एमपी कोरेंट राजेंद्र सर. ये
गेट वेट सब बंद कर दिए उसके आने के डर से। लायन इज कमिंग। ओ सच्चाई निकाल दी सामने। कोई डर दिख रहा है मेरी आंखों में? केस वापस लेने के लिए? अच्छा yes anyam jarigina adu pettu nenu untaga unta mee vaalandre ela tappinchukuntaro nenu chustu appu chesina ammaile evardi tappo evardi oppo nirnayinchadu vo court decide karegi bedirinchi settle cheyaniki court ni settlement antaga ninnu chuste chaalistundi nuvvu evari kosam nilabadtavo vaalle ledu madhyala vadilestu acha vaalu saamanyulu నీలాంటి పెడతా అంటే ఆశపడతాం, బెదిరిస్తే భయపడతాం. ఆశకి భయానికి మధ్య ఊగిసలాడే జీవితాలు వాళ్ళు. వాళ్ళు నా కోసం ఉన్నా లేకపోయినా నేను ఎప్పుడు వాళ్ళకి అండగానే ఉంటాను. అండగానే ఉంటా. కమాన్, నువ్వు కోర్టు మెట్లెక్కి నాలుగేళ్ళైంది, ఇప్పుడే మీకు 4 సార్లు ఒక ఈ కేసుకు రియలీ Got goosebumps after watching this scene, यार amazing. मतलब क्या fight दिखाई है? आपने बहुत सारी movies देखी होगी police officers की, जिसमें वो MP के पास, CM के पास जाके अपनी दिखाते हैं, अपनी अदा दिखाते हैं, लड़ते हैं उनसे और अपनी धमकी देते हैं उनको. बट आपने लॉयर की मूवी पहली बार देखी होगी ऐसी, जो लॉयर ही जाता है और लॉयर ही धमका के आता है MP को. मतलब मजा आ गया देख के यार. और कैसे उन्होंने उन गर्ल्स की साइड लेके, कैसे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बोला कि मैं ये केस वापस नहीं लेने वाला हूँ और ये मैं केस लड़ूंगा चाहे जितने भी दिन हो जाए, कितने भी साल हो जाए. और मजा आ गया मतलब देख के यार. और वो जो सीन भाई, सबसे बढ़िया सीन मेरे को फाउंटेन वाला लगा, जो जैसे ही वो गुंडों को मारते हैं और वो पीछे नल उखाड़ते हैं अपना, जैसे वो नल उखाड़ते हैं पीछे से जो फाउंटेन का सिनेमैटिक शॉट दिखता है, अमेजिंग यार. वो तो बिल्कुल फ्रेम करवा के आप रख लो इफ़ यू आर अ फैन ऑफ पावर स्टार पवन कल्याण सर. और एक और सीन, जैसे वो बुलेट से जा रहे होते हैं MP के घर में और सारी सिक्योरिटी वगैरह सब गेट वेट सब बंद कर देते हैं, और जैसे ही वो एंट्री लेते हैं अपनी बुलेट फेंक के, बुलेट में से रास्ते में से उतर के और बुलेट जैसे ही उनके गेट में घुसती है, अमेजिंग. मतलब ये बहुत ज़्यादा यूनिक स्टेप था, बहुत यूनिक स्टंट था, ये स्टंट ही है. सो गाइज, ये एक्शन सीन्स करना भाई पवन सर ही कर सकते हैं, इसको मज़ा आ गया देख के. और ये इंटरवल फाइट सीन, मतलब यार ये फुल्ली एक्शन ड्रामा फिल्म है, ये मज़ा आ जाएगा देख के, आप कभी बोर नहीं होगे, चाहे वो कोर्ट का सीन हो चाहे वो कोर्ट के बाहर का सीन हो, आपको मज़ा आने ही वाला है फॉर श्योर. जैसे मुझे मज़ा आ रहा है हर छोटे छोटे सीन पर रिएक्ट करने से, क्योंकि मैंने ये मूवी देखी नहीं है और आपके साथ ये छोटे छोटे सीन पर रिएक्ट करके मुझे देखने में बहुत मज़ा आ रहा है यार ये मूवी. सो कैसे वो लड़कियाँ उनके पवन सर के घर पर आई, उनको बोला कि अगर आप चुप बैठे रहे तो हमारे लिए ये जस्टिस नहीं होगा और गरीबों को और नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल को ये जस्टिस नहीं मिलेगा. सो आपकी चुप्पी, आपका साइलेंट हमारे लिए कर्स ना हो जाए. तो ये उनको समझाया तो ये उनको बात चुभी मन में कि हाँ यार मुझे चुप नहीं बैठना है, मुझे जस्टिस दिलाना है लड़कियों को. तो गाइज ये था इंटरवल फाइट सीन, अमेजिंग. और बताओ कि किस किस सीन्स पर मैं रिएक्ट करूँ, मैं करूँगा यार, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये सीन देखने में. और मैं जितने जितने सीन्स देखते जा रहा हूँ वकील साहब के, पवन सर की मूवी के, उतना मैं बड़ा फैन होते जा रहा हूँ उनका यार. मतलब बिग हैट्स ऑफ टू पवन कल्याण सर, मतलब अमेजिंग, मज़ा आ गया देख के. और भी बहुत सारे सीन्स हैं जिस पर हम रिएक्ट करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.